हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अटैक करना है। अब हम सीखेंगे स्पीड टाइम में ही एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हर एग्जाम में इस टॉपिक का वेटेज स्पीड टाइम डिस्टेंस में एक इकलौता यही एक टॉपिक है जिसका वेटेज अच्छा खासा होता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि शायद ऐसा होता है कि ये टॉपिक कंपैरेटिवली दूसरे टॉपिक से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। किस केस में? सॉल्व करने के केस में। ओके, सॉल्व करने के मतलब आंसर निकालने के केस में कंपैरेटिवली दूसरे टॉपिक से डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था स्पीड टाइम डिस्टेंस में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो डायग्राम्स और दूसरा यूनिट्स। आपका डायग्राम्स पे कमांड होना चाहिए, यूनिट्स को आपको प्रॉपरली ध्यान से सॉल्व करना है, ध्यान से लेके चलना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है स्पीड टाइम डिस्टेंस में वो है ट्रेन क्रॉसिंग। ओके, ट्रेन क्रॉसिंग, ट्रेन क्रॉसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ओके, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक तो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, जो पॉइंट मतलब एक बिल्कुल पॉइंट जैसा दिखाई देगा, और एक होता है इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट जो कि थोड़ा सा इलॉन्गेटेड होता है। ओके, अगर हम ये सोचें कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, जब दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या दो चींटियां, जैसे लेट सपोज दो एंट चल रही हैं, दो एंट एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, या दो लेट सपोज डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इन दैट केस व्हाट विल गोइंग टू हैपन, उसमें कितना समय लगेगा, इस क्रॉसिंग में कितना समय लगेगा। ओके, तो हम कहेंगे कि इट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इट्स नेग्लिजिबल टाइम, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, एंड बहुत सारी चीजें। मतलब कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के क्रॉसिंग का जो टाइम है, क्रॉस करने का जो समय है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रख रहा। ओके, इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, आप सोचिए अगर अब एक इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट ले लिया जाए। ओके, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्रॉस करें नेग्लिजिबल, लेकिन अगर एक इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करें तो क्या उसमें फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा? डेफिनेटली। ओके, जैसे कि एक ट्रेन है वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है। ओके, किसी पोल को क्रॉस कर रही है, इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है ट्रेन के लेट सपोज ट्रैक के पास में, तो वो उस पोल को क्रॉस कर रही है, तो क्या वो जीरो अमाउंट ऑफ टाइम में हो जाएगा? क्या वो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम होगा? नहीं। वी कैन सी कि वो टाइम एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम होगा। या कोई पर्सन जा रहा है, उसको पर्सन को क्रॉस कर लिया, तो क्या वो फाइनाइट टाइम होगा? डेफिनेटली। इसका मतलब ट्रेन क्रॉसिंग में हमें यह सीखना है कि एक इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट को कितने समय में क्रॉस करेगा। ओके, इस कंसेप्ट को समझिएगा कि हमारा जो एम है इस टॉपिक में क्या है, क्योंकि इस टॉपिक का अगर एम क्लियर रहेगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करना एक आसान चीज हो जाएगी। तो एक इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट या इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के लिए कितना समय लेगा, दिस इज द कंसेप्ट, इज द रीजन बिहाइंड लर्निंग दिस टॉपिक। ओके, द ट्रेन क्रॉसिंग। तो मैं लिख देता हूं यहां पे ब्रैकेट में कि हमें यहां पे सीखना क्या है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉस करने का जो समय है वो सीखना है हमें। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कैसे, जैसे कि मैंने कहा एक इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट है, अब वो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा तब भी फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, इलॉन्गेटेड को करेगा तब भी फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक ट्रेन की क्रॉसिंग विद अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि ट्रेन एंड पोल। ओके, ट्रेन एंड पोल, कि अगर एक ट्रेन, अब आप सोचिए पोल की जो थिकनेस है, ठीक है ना, पोल का जो थिकनेस है, एक इलेक्ट्रिक पोल का थिकनेस, क्या वो ट्रेन के कंपैरिजन में कुछ वैल्यू रखता है? नहीं, ट्रेन की लेंथ बहुत ज्यादा है और पोल की थिकनेस बहुत ही कम है कंपेयर टू ट्रेन। तो इसलिए विल अज्यूम कि ट्रेन के सामने ये जो पोल है, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपकी लेंथ फाइनाइट है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर मैं आपकी लेंथ को जुपिटर के डायमीटर से कंपेयर करूं, सो कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा एक डिफरेंस होगा। आपको दिखेगा कि आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो और जुपिटर इज एन इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। सो ट्रेन एंड पोल, सो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज अ पोल, दिस इज अ पोल, और एक ट्रेन है जो कि इस पोल को क्रॉस करने के लिए पीछे से आ रही है, लेट्स सपोज एस की स्पीड से, और इस ट्रेन का लेंथ है एल। ओके, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज एल। तो हम क्या देखते हैं कि एक पोल लगा हुआ है और एक ट्रेन उसको क्रॉस करने के लिए उस पोल के पास में आ रही है। मैं कहता हूं क्रॉसिंग तब स्टार्ट होगी जब इस ट्रेन का
जो इंजन है, ओके दिस इज द इंजन ऑफ द ट्रेन, हम मान लेते हैं दिस इज द इंजन, तो ये जो इंजन है ट्रेन का ये बिल्कुल पोल के पैरेलल आ जाएगा कुछ इस तरह से, ओके कुछ इस तरह से। इस सिचुएशन में क्रॉसिंग स्टार्ट होगी कि ट्रेन अब क्रॉस करना शुरू कर रही है, अभी क्रॉस नहीं किया है, अभी शुरू कर रही है क्रॉस करते करते। तो लेट सपोज ये यहाँ पे ऐसा है, अभी ये मूव करते गई ट्रेन, आगे मूव करते गई, क्या इस सिचुएशन तक ट्रेन आ जाएगी तो क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी जहाँ पे ये डस्टर है इस तरह से? नहीं, अभी खत्म नहीं हुई। वाई? बिकॉज अभी भी कुछ पार्ट ट्रेन का पोल के पहले, कुछ पार्ट ट्रेन का पोल के बाद में है, तो हम देख सकते हैं क्रॉसिंग खत्म नहीं हुई, अभी और मूव कराना है, और मूव कराना है, और मूव कराना है। फाइनली एक सिचुएशन आएगी जहां पर ट्रेन की जो लास्ट बोगी का लास्ट पॉइंट है, ओके ये लास्ट बोगी का लास्ट पॉइंट है, ये आपको पोल के पैरेलल दिखाई देगा। तो ये है सिचुएशन वन और ये है सिचुएशन टू। तो सिचुएशन वन से सिचुएशन टू के ट्रांजिशन में कुछ टाइम लगा होगा, और हम देख सकते हैं कि यहां पर ट्रेन ने सिचुएशन वन में क्रॉसिंग शुरू करी थी और सिचुएशन टू में क्रॉसिंग खत्म कर दी। तो यहां पर जो क्रॉसिंग है वो किस तरह से हो रही है वो समझते हैं। देखिए, पोल के पैरेलल इस इंजन का फर्स्ट पार्ट आया, ओके, और फिर पोल के पैरेलल इस बोगी का लास्ट पार्ट आया, ट्रेन की जो लास्ट बोगी है उसका एकदम आखिरी छोर जो होगा, बिल्कुल एंड पॉइंट होगा, वो आ गया पोल के पैरेलल, तब क्रॉसिंग खत्म हुई है। इस दौरान, इस क्रॉसिंग में क्या आप बता सकते हैं कि इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? देखिए, क्रॉसिंग शुरू होने के समय पे इंजन यहाँ पे था और क्रॉसिंग खत्म होने के समय यहाँ पे पहुंच गया, तो इस दौरान ये डिस्टेंस कितना रहा? दिस डिस्टेंस इज एल, जो ट्रेन का लेंथ है वही का वही। अब देखिए, जब एक इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट को हम क्रॉस करने की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस ट्रेन पर कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, लेट सपोज ये पॉइंट, तो क्रॉसिंग शुरू होने पर यह पॉइंट यहाँ पे था, क्रॉसिंग खत्म होने पर यह पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, यू कैन मेजर दिस। जैसे कि इस लास्ट बोगी के लास्ट पॉइंट को देखते हैं, क्रॉसिंग शुरू होने के टाइम पे यहाँ पे था, क्रॉसिंग खत्म होने के टाइम पे यहाँ पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? दिस इज द डिस्टेंस, एल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड, ओके। अब क्या आप बता सकते हैं ये एल डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ट्रेन ने किस स्पीड से ट्रैवल किया? ओके, ये एल डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रैवल हुआ है? दिस द स्पीड इज यूज टू बी एस, ओके, द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग इज एस। मतलब ट्रेन ने क्रॉसिंग शुरू होने से खत्म होने तक एल डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस की स्पीड से ट्रैवल किया, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो गया? टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो हमारा मेन पॉइंट है, इसको हम बोल देते हैं टी सी आर, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, दिस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, ओके, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, दिस इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इस समय में ट्रेन ने इस पर्टिकुलर पोल को क्रॉस कर लिया, ओके। नाउ इमेजिन, इमेजिन अभी तो हमने क्या माना, ये एक स्टेशनरी पोल है, ये रुका हुआ पोल है। नाउ इमेजिन ये पोल चलने लगे, पोल चलने लगे मतलब लेट सपोज कोई मैन है, ओके, एक मैन चलने लगे। अब मैन की जो थिकनेस है, ओके, मेरी थिकनेस नहीं देखना, तो मैन की जो थिकनेस, एक आम इंसान की आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आम इंसान की जो थिकनेस है वो ट्रेन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। सो आई विल अज्यूम कि अ मैन इज अ पोल, इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स दूसरा सिचुएशन हमारा बनता है ट्रेन और मैन। तो मान लीजिए ये कोई मैन है, ये कोई पर्सन है, ओके, मतलब एक दुबला पतला पर्सन है, नॉर्मल जो इंसान होता है, एंड दिस पर्सन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ एस एम इन दिस डायरेक्शन, ऐसा मूव कर रहा है एस एम की स्पीड से, ओके, और पीछे से एक ट्रेन आ रही है, दिस इज अ ट्रेन जो कि लेट सपोज एस टी की स्पीड से आ रही है, एस टी की स्पीड से ट्रेन आ रही है और एल लेंथ की ट्रेन है, एल लेंथ की ट्रेन। नाउ अब ये पर्सन ऐसे एस टी की, एस एम की स्पीड से मूव कर रहा है, ये ट्रेन आ रही है एस टी की स्पीड से। अब जरा इमेजिन कीजिए, ये पर्सन जब पीछे मुड़ के इस ट्रेन को देखेगा, ओके, ये पर्सन चलते चलते, ये चल रहा है एस एम की स्पीड से, ये पीछे मुड़ के जब इस ट्रेन को देखता है तो क्या ये ट्रेन इस पर्सन को एस टी की स्पीड से दिखाई देगी? नहीं, ओके, बिकॉज पर्सन तो खुद भी मूव कर रहा है, दोनों ही कहाँ पे हैं, दोनों ही एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों ही धरती पे खड़े हुए, तो यहाँ पर ये ट्रेन इस पर्सन को एस टी की स्पीड से नहीं दिखेगी। ट्रेन की स्पीड एस टी किसके रिस्पेक्ट में आ रही है? जो पर्सन ग्राउंड पर स्टेशनरी है, ओके, लेकिन ये तो खुद ही मूव करता जा रहा है, तो इसको दिखेगा कि ट्रेन इसके पास एस टी माइनस एस एम की स्पीड से आ रही है, ओके, द ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन विद द स्पीड ऑफ एस टी माइनस एस एम,
ओके नाउ इमेजिन कीजिए, ये पर्सन को दिखता है कि ट्रेन मेरी तरफ एस टी माइनस एस एम की स्पीड से आ रही है। ये पर्सन को खुद अपने आप को ये कितनी स्पीड से चलता हुआ देखेगा, जीरो। ओके जब ये पर्सन पीछे मुड़ के देखेगा तो इसको लगेगा कि मैं तो रुका हुआ हूं, आई एम स्टेशनरी, वॉट इज हैपनिंग इज दिस ट्रेन इज मूविंग। ओके हमें क्या लगता है, हम स्टेशनरी है, वो जो सन है वो घूम रहा है, वो जो मून है वो घूम रहा है। ओके ऐसा आपने पढ़ा होगा भूभ्रमण और भम भ्रमण का कॉन्सेप्ट जो है सेलेस्टियल बॉडीज का, तो कुछ उसी तरह का लॉजिक यहाँ पे सोचिए। इस पर्सन को दिख रहा है कि मैं तो खड़ा हुआ हूँ लेकिन ट्रेन मूव कर रही है, और ट्रेन उसको किस स्पीड से आती दिख रही है, एस टी माइनस एस एम की स्पीड से। अब जरा इमेजिन कीजिए, क्या ये हमारा पहला सिचुएशन जैसा नहीं बन गया? बस फर्क क्या हुआ, यहाँ पर ट्रेन की स्पीड एस थी और वही स्पीड चल रही थी, लेकिन यहाँ पर ट्रेन की स्पीड एस टी माइनस एस एम हो जाएगी। द रीजन इज दिस पर्सन वॉज मूविंग, तो इसको मैंने रोक दिया, इसको खड़ा कर दिया, इसको दिख रहा है कि मैं तो खड़ा हूं, ट्रेन आती है एस टी माइनस एस एम की स्पीड से। तो अगेन जब ये ट्रेन इस पर्सन के पैरेलल आ जाएगी कुछ इस तरह से, सो यू कैन सी क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये फाइनली इस पर्सन को क्रॉस कर जाएगी, मतलब लास्ट बोगी इस पर्सन के पैरेलल आ जाएगी, तो क्रॉसिंग कंप्लीट हो जाएगी। बस यही का यही सिचुएशन जो यहां डिस्कस करा वही का वही एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इट विल बिकम एल अपॉन एस टी माइनस एस एम। ओके एल अपॉन एस टी माइनस एस एम। नाउ ये एस टी माइनस एस एम कब आया, ये तब आया जब ट्रेन और मैन दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ये भी ऐसा जा रहा, ये ऐसा जा रहा था पर्सन इस डायरेक्शन में, और ट्रेन भी ऐसी ऐसी डायरेक्शन में जा रही थी। लेकिन इमेजिन कि ये पर्सन इस डायरेक्शन की जगह अब इस डायरेक्शन में मूव करने लगे ऐसे, तब क्या होगा, जब ये पर्सन, तो पर्सन ऐसा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और ट्रेन ऐसी जा रही है, तो क्या होगा, अब आप सोचो कि ट्रेन पर्सन को कैसी दिखाई देगी। पर्सन को दिखेगा कि मैं तो खड़ा हुआ हूं लेकिन ट्रेन मेरी तरफ एस टी प्लस एस एम की स्पीड से आ रही है। ओके क्योंकि आप किसी गाड़ी की तरफ भाग रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है और आप भी गाड़ी की तरफ भाग रहे हो, सो व्हाट यू विल फील कि गाड़ी आपके पास और तेजी से आती जा रही है क्योंकि आप भी तो उसकी तरफ भागते जा रहे हो। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, मैन को दिखेगा कि मैं तो खड़ा हुआ हूं लेकिन ट्रेन आ रही है एस टी प्लस एस एम की स्पीड से। तो इन दिस केस टाइम ऑफ क्रॉसिंग विल बिकम टी सी आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन एस टी प्लस एस एम। ओके सो दिस इज द डिस्टेंस और दिस इज द टाइम ट्रेवल टाइम टेकन टू cross the two trains or cross a man when they are traveling in opposite direction. Okay, the two persons are traveling in opposite direction. दोनों का direction कैसा है, देखिए बिल्कुल opposite है, ये man इधर आ रहा है, train इधर जा रही है, तो obviously बात है जो opposite direction है उस case में ये situation होगा और same direction में ये situation होगा। okay तो आप देख सकते हैं दो केसेस हैं, हमने एक इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट को, अब देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रेन क्रॉसिंग है तो सिर्फ ट्रेन ही चलेगा, आपको ये ट्रेन की जगह पे लेट्स अज्यूम कि ये कुछ प्लेन भी लिख सकता है, ये कोई बस भी लिख सकते हैं, ट्रक लिख सकते हैं और कोई सा भी रैंडम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं जो कि इलॉन्गेटेड होगा। ओके तो हमने क्या देखा कि एक इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा तो दो सिचुएशन बन सकती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट या तो स्टेशनरी हो सकता है या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग हो सकता है। मूविंग में फर्दर दो सिचुएशन बन सकती है, या तो सेम डायरेक्शन में होगा या फिर ऑपोजिट में होगा, तो यही दो केसेस बन सकते हैं। ओके तो इसे नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि एक ट्रेन दूसरे इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट को जब क्रॉस करेगी तब क्या होगा। दूसरा इलॉन्गेटेड मतलब कोई हो सकता है दूसरी ट्रेन आ रही हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई टनल हो, कोई ब्रिज हो। ओके तो उस क्रॉसिंग में कितना समय लगेगा, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस। ओके सो फर्स्ट यू कैन नोट दिस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि दो इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उस समय कितना समय यूज होगा, कितना समय व्यतीत होगा। तो लेट सपोज नाउ थर्ड केस। ओके हमने दो केसेस डिस्कस करे, पॉइंट एंड इलॉन्गेटेड, नाउ इलॉन्गेटेड एंड इलॉन्गेटेड। नाउ व्हेन ट्रेन क्रॉसेस लेट से प्लेटफॉर्म या अ टनल या फिर ब्रिज। ओके जब एक ट्रेन किसी ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को, टनल को क्रॉस करती है तो उसमें कितना समय लगता है। अब ट्रेन इलॉन्गेटेड है, ब्रिज भी इलॉन्गेटेड है, प्लेटफॉर्म भी इलॉन्गेटेड है, सभी ये लोग इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म अज्यूम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो लेट सपोज कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म दिखता है, अगर आप ऊपर से प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। ओके समथिंग लाइक दिस, ऐसा प्लेटफॉर्म दिखता है ऊपर से, और
और यहां पर हमें ऐसा ट्रैक्स दिखती है, ओके दिस इज द ट्रैक्स, तो ये ट्रेन की ट्रैक्स है, ओके एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म। मैं अज्यूम करता हूं कि प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो है लेट सपोज एल पी, ओके एल पी इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म की एंट्री है, ये प्लेटफॉर्म की एग्जिट है, सो एल पी इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। उसके बाद दिस इज अ ट्रेन विच इज गोइंग टू एंटर दिस प्लेटफॉर्म, ओके एस की स्पीड से आती हुई ट्रेन है, इसकी लेंथ है लेट सपोज एल टी, सो एल टी रिप्रेजेंट करती है लेंथ ऑफ ट्रेन। नाउ ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है इस तरह से, और इस प्लेटफॉर्म में एंटर होगी, क्या होगा सिचुएशन, पहले तो एंटर होगी फिर उसके बाद एग्जिट हो जाएगी। तो हमें ये पता करना है कि इस ट्रेन को कितना समय लगेगा इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, ओके हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय दिस ट्रेन टू क्रॉस दिस प्लेटफॉर्म। अब देखिए मैं कहता हूं कि क्रॉसिंग स्टार्ट कहां पे होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, और क्रॉसिंग खत्म कहां पे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्रॉसिंग स्टार्ट होने से लेके खत्म होने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, सो दैट्स इट, बस डिस्टेंस आ गया तो स्पीड तो है ही आपके पास। तो हम कहते हैं क्रॉसिंग स्टार्ट होगी एट दिस पॉइंट, जब प्लेटफॉर्म के इस एंट्री पॉइंट पे, ओके एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट पर, जब ही ट्रेन का इंजन का बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट इस तरह से आ जाएगा, सो यहाँ पे क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओके देन ट्रेन मूव करेगी, अंदर मूव करेगी, मूव करेगी। अब ये है प्लेटफॉर्म का एग्जिट, दिस इज द एग्जिट ऑफ प्लेटफॉर्म, ओके दिस पॉइंट इज एग्जिट। तो देखिए क्या हुआ, ये ट्रेन ऐसी आई, अभी ट्रेन ने मूव करना शुरू किया, और एक समय ऐसा आया जब प्लेटफॉर्म के एग्जिट पर इस ट्रेन का इंजन का फर्स्ट पार्ट ऐसा आ गया, तो क्या क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी, नहीं क्रॉसिंग खत्म नहीं हुई, अभी तो ट्रेन पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म के अंदर है। तो क्रॉसिंग खत्म कब होगी, जब ये ट्रेन ऐसा बाहर मूव करके और लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेन, ओके लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेन इस प्लेटफॉर्म के एग्जिट पर आ जाएगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें दिखाई देगी, ओके तो इस दौरान अगर हम देखें, देखिए ये इंजन था, ये ऐसा मूव करा ट्रेन ने और ऐसा यहाँ तक आ गया, तो इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको। नाउ ओवरऑल इस डिस्टेंस को ट्रैवल, यहाँ पे जो ट्रेन ने ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो देखते हैं। देखिए इस पॉइंट से शुरू हुआ था, जब क्रॉसिंग शुरू हुई थी तब इंजन का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था, और क्रॉसिंग खत्म होने के टाइम इंजन का लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट यहाँ पहुँच गया, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो दिस वन एल पी प्लस ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है दैट इज एल टी। तो देखिए ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया क्रॉसिंग करने के लिए, एल पी प्लस एल टी, और किस स्पीड से ट्रैवल किया, ट्रेन ने अपनी स्पीड से ट्रैवल किया एस, क्यों, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म है, ये तो स्टेशनरी है, तो इसीलिए यहां पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग बन जाएगा एल पी प्लस एल टी अपॉन एस, ओके द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है एस, तो एल पी प्लस एल टी अपॉन एस, दिस इज नोन एज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर एक इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट दूसरे इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जो कि स्टेशनरी है, तो उस केस में एल पी प्लस एल टी अपॉन एस, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट को चलाते हैं, जैसे कि पहले हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट को चलाया था, तो इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट को कैसे चलाना है, मतलब दो ट्रेन्स, ओके और ट्रेन एंड विल राइट एज ट्रेन। मान लीजिए जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे, दो मूविंग ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे, या लेट सपोज दो ट्रेन या फिर एक ट्रेन, एक बस, एक ट्रक एंड सो ऑन, मतलब जो भी इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ओके वो सभी, तो किस तरह से क्रॉसिंग होगी। लेट सपोज ये एक ट्रेन है जो कि एस वन की स्पीड से इधर मूव करती है और इसकी लेंथ है एल वन, और दूसरी एक ट्रेन है जो कि एस टू की स्पीड से मूव करती है और इसकी लेंथ है एल टू, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन एल टू। तो ये L2 वाली जो ट्रेन है ये इस ट्रेन को क्रॉस करेगी। अब आप सोचिए ये दोनों ट्रेन्स मूव कर रही हैं, ऐसा आगे मूव कर रही हैं, तो क्रॉसिंग या फिर कहें ओवरटेकिंग कब हो सकती है, जब ये स्पीड S2 की स्पीड ज्यादा हो, ओके S2 ज्यादा हो S1 से, यही तभी पॉसिबल है। अब इस ट्रेन के पैसेंजर्स को क्या दिखाई देगा, इसके पैसेंजर्स को दिखेगा कि हम तो रुके हुए हैं, वी आर स्टेशनरी, हम तो पूरी तरह से रुके हैं, लेकिन ये ट्रेन आ रही है S2 माइनस एस वन की स्पीड से, ओके क्या होगा, इस ट्रेन के पैसेंजर जब पीछे मुड़ के देखेंगे ऐसे खिड़की से बाहर झांक के, तो उन्हें दिखेगा कि ये ट्रेन तो आ रही है एस टू माइनस एस वन की स्पीड से, लेकिन हम तो रुके हुए, हम तो स्टेशनरी हैं पूरी तरह से, ओके तो उस केस में क्या होगा, ट्रेन की क्रॉसिंग स्टार्ट कब होगी, जब इस ट्रेन का इंजन का फर्स्ट पार्ट
इस ट्रेन की लास्ट बोगी के एंड पे आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ओके। और इस ट्रेन की क्रॉसिंग खत्म कब होगी, क्रॉसिंग खत्म कहां पे होगी, ये देखिए, ये क्रॉसिंग विल बी एंड एट दिस सिचुएशन, ओके, क्रॉसिंग विल एंड एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, कि इस ट्रेन का लास्ट पार्ट इस ट्रेन के बिल्कुल फर्स्ट पे एकदम इंजन के पास में आ गया, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनाते हुए, तो इस केस में ये क्रॉसिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो इस दौरान जरा सोचिए, ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना हुआ, L1 प्लस L2, ओके, टोटल लेंथ कितना हुआ, L1 प्लस L2, तो हम कहेंगे टाइम ऑफ क्रॉसिंग या फिर टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, ओके, क्वेश्चन में ओवरटेकिंग भी बोल देते हैं कभी कभी, तो ओवरटेकिंग या क्रॉसिंग विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन्स, मतलब L1 प्लस L2 अपॉन, और स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकाली थी हमने, ये ट्रेन आगे जा रही थी, ये पीछे आ रही थी, तो स्पीड क्या बन गई, S2 माइनस S1, तो यह आ जाएगा S2 माइनस S1, ओके, और यू कैन पुट अ मॉड एज वेल, आप मॉड्यूलस भी लगा सकते, कोई समस्या नहीं है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग और टाइम ऑफ ओवरटेकिंग क्या हो गया, L1 प्लस L2 अपॉन टाइम ऑफ क्रॉसिंग अपॉन स्पीड 2 माइनस स्पीड 1, ये किस सिचुएशन में होगा, जब दोनों ही ट्रेन चल रही होंगी अपोजिट डायरेक्शंस में, ओके, अपोजिट डायरेक्शंस। अब मान लीजिए दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शंस, मैंने गलत लिख दिया, सेम डायरेक्शन, अब अपोजिट में क्या होगा, मान लीजिए ये ट्रेन ऐसी जा रही है S2, ओके, अब ये वाली ट्रेन ने अपना डायरेक्शन कर लिया ऐसा, उस समय क्या होगा, जब इस ट्रेन के पैसेंजर्स खिड़की से बाहर देखेंगे तो उन्हें क्या देखेगा, ये ट्रेन आ रही है S2 प्लस S1 की स्पीड से, वाई, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो उनके बीच का जो रिलेटिव गैप है वो और तेजी से कम होने लगेगा अगर दोनों ही चलने लग जाए तो। सो व्हाट वी कैन सी कि जब अपोजिट डायरेक्शंस में, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन्स मूव कर रही हैं, इन दैट केस योर टाइम ऑफ क्रॉसिंग विल बिकम L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, मतलब सम ऑफ द टू स्पीड्स, ओके, L1 प्लस L2 लेंथ का सम अपॉन स्पीड का सम, ओके, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, सो दिस हाउ यू कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ओके, सो यू कैन नोट दिस टू। सो अभी देखिए, हमने डिस्कस करा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग, अब हम थोड़ा सा उसी को और यूज करते हैं जो एप्लीकेशन है उसका, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बड़ा ही सिंपल सा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ट्रेन क्रॉसिंग के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, सिंपल सी बात है, हमने चार डिफरेंट केसेस बना दिए, ओके, पहले पॉइंट और ट्रेन, पॉइंट मूविंग और ट्रेन, दूसरा देन तीसरा प्लेटफॉर्म ट्रेन, देन प्लेटफॉर्म मूविंग एंड ट्रेन, ओके, दिस इज द फोर्थ केस। तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन रीड करके पहले तो ये समझना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स की क्रॉसिंग हो रही है, ओके, एक ट्रेन जो है वो किस किस तरह के चीजों को क्रॉस कर रही है, और जिस भी तरह की चीजों को क्रॉस कर रही है उनके फॉर्मूले क्या है, हमने बनाए थे अभी फॉर्मूले, अभी हमने चार से कॉन्सेप्ट बना दिए, ओके, तो उनमें से कौन से फॉर्मूले हमें दिखाई देते हैं कि वो यहां पर अप्लाई हो सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन सॉल्व इट, सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजिली, ओके, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इट सेज अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर्स, एक 200 मीटर लेंथ की एक ट्रेन है, इट क्रॉसेज अ पोल इन 15 seconds, तो 15 seconds में वो किसी पोल को क्रॉस करती है, एंड क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 60 seconds। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है, देखिए, एक ट्रेन एक पोल को भी क्रॉस कर रही है और एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, ऑब्वियसली अलग अलग क्रॉसिंग है, तो पहला केस क्या बनता है, ट्रेन और पोल की क्रॉसिंग। अब याद कीजिए, ट्रेन और पोल की क्रॉसिंग में हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, तो हम उस फॉर्मूले को लिख देते हैं, तो हमारा जो केस वन है वो उसका फॉर्मूला क्या है, TCR इज इक्वल्स टू L/S, दिस इज द क्रॉसिंग ऑफ अ ट्रेन, ओके, अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, सॉरी, अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल, तो पोल क्रॉसिंग का ही फॉर्मूला था। अब इसमें क्या क्या वैल्यू आपको दिया हुआ है, जरा देखिए, आपको दिया हुआ है कि द ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर्स, मतलब आपको ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, तो उसको हम लिख देते 200, और क्या दिया हुआ है, क्रॉसेस अ पोल इन 15 seconds, मतलब पोल को क्रॉस करने में 15 सेकंड का समय लगा, तो आपको यहां पर टाइम दिया हुआ है 15 सेकंड। क्या स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है, नहीं दिया हुआ, तो इसको एस लिख के छोड़ दीजिए, ओके, यू कैन लीव इट एज एस। अब दूसरा सिचुएशन में बोलता है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर क्रॉसेज अ पोल इन 15 seconds, एंड सेकेंड इज क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 60 seconds, ओके, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा जा रहा है दूसरे केस में, तो प्लेटफॉर्म के केस में हमारा टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, जरा याद कीजिए,
ये होता है S अपॉन सॉरी LP प्लस LT अपॉन S, ओके LP प्लस LT अपॉन S। तो इसने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा 60 सेकेंड्स में। तो यहां पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या दिया हुआ है, 60 सेकेंड्स, ओके 60 सेकेंड्स, और इज इक्वल्स टू नाउ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, तो इसको LP छोड़ देते हैं। प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, कितना 200 मीटर्स। क्या स्पीड ऑफ ट्रेन भी गिवन है, नहीं गिवन है, तो इसको S छोड़ देते हैं। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो हमें प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं और रिलेट भी कर सकते हैं कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को अगर आप डिवाइड कर दो एक दूसरे से, ओके फिर डिवाइड दीज टू कंडीशंस, देन यू विल गेट द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। कैसा, इन दोनों को डिवाइड करा तो देखिए 60 अपॉन 15 हो जाएगा, 60 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू LP प्लस 200 अपॉन S, तो हट जाएगा ठीक है ना, LP प्लस 200 अपॉन 200 अपॉन S होगा। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेंथ, ओके द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आता है। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे थे, ट्रेन पोल और ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो हमने क्या करा, दोनों के फॉर्मूले जैसा लिख दिया और जस्ट उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, हमारा आंसर आ गया, ओके तो कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ ही गया है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ भी समझना जरूरी है कि आप फॉर्मूले में लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके हालांकि फॉर्मूले पे इतना ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना, रटना नहीं है उसको, बस कॉन्सेप्चुअली हमें माइंड में रखना है, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है कि क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड में कंप्लीट करके आगे बढ़ जाए, ओके सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन, ओके सो अब देखिए अभी हमने क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व किया, हमने देखा कि कौन से केसेस उसमें अप्लाई हो सकते हैं और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा उसको और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम लेवल डिफिकल्ट करते हैं। तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन विच ओवरटेक्स अ काउ, स्पीड ऑफ अ ट्रेन विच ओवरटेक्स अ काउ वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड्स। तो 5 किलोमीटर पर आवर से एक काउ मूव कर रही है और एक ट्रेन उसको ओवरटेक करती है, तो 30 सेकेंड्स में वो ट्रेन ओवरटेक कर लेती है, ओके और उस ट्रेन का लेंथ है 274 मीटर्स का। तो आपको ये बताना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि कौन सा सिचुएशन इसमें बन रहा है, चार हमारे पास केसेस बने हैं, चार में से कौन सी सिचुएशन फिट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउ की लेंथ को हम क्या मानेंगे, इन कंपैरिजन टू ट्रेन हम काउ की लेंथ को नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब काउ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। इसका मतलब जब मूविंग काउ ट्रेन से, मतलब मूविंग काउ को ट्रेन जब क्रॉस करेगी, इट मींस एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट इज क्रॉसिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग है। तो कौन सा सिचुएशन है ऐसा, सिचुएशन नंबर टू, केस नंबर टू को देखिए, जब मैन मूव कर रहा था ट्रेन भी मूव कर रही थी, इसका मतलब यहां पर केस नंबर टू लगेगा। अब पॉइंट आता है कि केस नंबर टू में तो दो फॉर्मूले बनते हैं, केस नंबर टू में टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो सकता है एल अपॉन एस टू माइनस एस वन और एल अपॉन S2 टू प्लस एस वन, ओके कुछ इस तरह का फॉर्मूला था स्पीड ऑफ मैन स्पीड ऑफ ट्रेन के केस में, तो उसको हमने ऐसा लिख दिया S1 S2। लेकिन ये फॉर्मूला होता है कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ये फॉर्मूला होता है अपोजिट डायरेक्शन में। यहां हम कैसे पता करें कि डायरेक्शन कौन सी, क्या आपको दिया हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं दिया। फिर कैसे हम पता करेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, मतलब काउ और ट्रेन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर अपोजिट में जा रहे हैं। तो ये पता करने के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, You will find overtakes, okay? क्या overtake? देखिए ये important point है कि question को आप read करें ताकि आपको समझ में आ जाए। Question को properly read करना, हर एक word को समझना बहुत जरूरी है, हर एक word का कुछ ना कुछ importance है। So what we can see कि एक cow को train में overtake कर, आपको ये चीज़ overtake कब करती है? Overtake करते हैं जब वो पीछे से उसके आगे निकल जाए। तो पीछे से आगे निकल जाए मतलब जब उसके same direction में move कर रहे हो, okay? ये cow ऐसा जा रहा था, ओके और ट्रेन ये ऐसा मूव करते करते इसको क्रॉस कर गया। तो ये क्रॉसिंग कैसे हुई, ओवरटेकिंग जैसा हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम ऑफ ओवरटेकिंग लगेगा, यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग लगेगा इन द सेम डायरेक्शन। तो कौन सा था सेम डायरेक्शन का, दिस फॉर्मूला। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आते हैं मुद्दे पे, देखिए टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है क्रॉसिंग का 30 सेकंड्स। तो इस टी सी आर की जगह पे मैं रख देता हूँ 30 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन। नाउ लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है, 274, तो ये भी हमने रख दिया 274 मीटर्स, ओके मीटर्स अपॉन एस टू क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं एस टू माइनस
एस वन इज द स्पीड ऑफ मैन या फिर स्पीड ऑफ काउ। काउ की स्पीड कितनी है, देखिए इट इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्पीड आपको दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है मीटर्स में, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग दिया हुआ है सेकेंड्स में। तो आपको क्या करना है, या तो इन दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए किलोमीटर पर आवर में, या इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में। तो हमने क्या कंसेप्ट सीखा था, हमने सीखा था कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का, और अगर हमें उल्टा आना होगा तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ इस तरह की सिचुएशन। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से मुझे कहाँ जाना है, मीटर पर सेकेंड में। इसका मतलब काउ की स्पीड को, जो ये स्पीड है इसको मैं लिख सकता हूं, ओके स्पीड को मैं लिख सकता हूं 5 × 5/18, दैट इज 25/18 मीटर्स पर सेकेंड। ओके सो इट मींस यहां पर स्पीड ऑफ काउ 5 नहीं आएगा, यहां पर स्पीड ऑफ काउ हो जाएगा 25/18, कुछ इस तरह से। ओके तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ S2। तो S2 की मुझे वैल्यू दोनों में बताइएगा, मीटर पर सेकंड में भी निकालिए और किलोमीटर्स पर आवर में भी निकालिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या आंसर आ रहे हैं आपके। ओके सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेन क्रॉसिंग व्हेन अ मूविंग और एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट क्रॉसेज अनदर पॉइंट और एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट। तो ऐसा जब क्रॉसिंग होगा तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब बिल्कुल स्ट्रीमलाइन अपन सिचुएशन को कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं। सिर्फ आपको सोचना क्या है, अगर ट्रेन क्रॉसिंग का क्वेश्चन दिखा तो देखिए कौन से ऑब्जेक्ट्स क्रॉस हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स क्रॉस हो रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कौन सी सिचुएशन बनी हुई रखी है। आपके पास चार सिचुएशन है, इन चार के बाहर आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं जाने वाला। ओके इन चार में से ही कोई ना कोई सिचुएशन पर क्वेश्चन बन सकता है, तो बस वो सिचुएशन का इस तरह से एक आइडियल जो एक फॉर्मूला टाइप बना हुआ है उसको लिख लीजिए, उसमें वैल्यूज फिट करिए और आंसर निकाल लीजिए, दैट्स इट। एंड जस्ट मूव दूसरे क्वेश्चंस पे मूव करिए, क्योंकि हमारा एम क्या है, समझने के साथ साथ हमें एग्जाम भी तो क्रैक करना है, तो हमें ये भी समझना है कि एग्जाम निकालने के लिए आपको कितने कम से कम समय में आप आंसर निकाल सको। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेन क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट। तो इसे नोट कर लीजिए, हम अगले वीडियो में नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।